रोलिंग का केस देखे थे जिसमें वेलोसिटी हर पॉइंट का था, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी रेडियस ऑफ कर्वेचर साथ निकाले थे। अब हम लोग रोलिंग केस में टाइम कितना नहीं पढ़ते हैं, और उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं रोलिंग वाला। क्वेश्चन देखो, कंसिडरिंग नो स्लिपिंग एट ऑल कॉन्टैक्ट्स considering no slipping at all contacts between plank and walls, plank and walls shown in figure, then find
एक तुल्यमान अप्रोच है कि हम लोग इसको मान लेते हैं VCM या V नॉट और ओमेगा मान लेते हैं ना, ऐसे ओमेगा से घूम रहा है। यदि ग्राउंड है तो इसकी ऊपर टॉप की वेलोसिटी कितनी है, 2 VCM हाँ, और V तो दिया ही था, यहां से VCM मिल गया V by 2। और दूसरा रोलिंग केस है तो VCM V बराबर ओमेगा R, हाँ तो ओमेगा कितना हो गया VCM by R, VCM जानते हैं तो V by 2 R। ऐसे भी सोच सकते थे कि जितनी इसके रोली केस में रेस्ट और ग्राउंड पे जितने वेलोसिटी से चलता है उसका दो गुना होता है टॉप वाला पॉइंट, या फिर टॉप वाला जितना होता है उसका ये सेंटर मास आधा होता है, वैसे सोचते तो भी लगता है आधा, ये वाला कैसे होगा हाँ क्या दो तरीके से कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे कर रहे हैं हम तो थोड़ा छोटा तो देंगे, सो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। लेमन अप्रोच जैसे VCM मान लो चाहे V मान लो, ऐसे V नॉट मान लो, V नॉट यदि V नॉट मान लिए ना और ये घूमता हो ओमेगा मान लेते हैं ऐसे ना, V नॉट और ऐसे घूमता हो ओमेगा ऐसे, तो यहाँ पे अच्छा यदि इधर की तरफ ई नॉट मान लें इधर ओमेगा मान लें तो इस वाले पॉइंट की कितनी वेलोसिटी होगी, इस वाले पॉइंट की टॉप वाले पॉइंट की चलने के कारण ई नॉट से चलेगा और घूमने का ओमेगा आर से ना, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन बनाते हैं टॉप वाले पॉइंट का वी नॉट प्लस ओमेगा आर, V नॉट प्लस ओमेगा आर बराबर V चलने के कारण V नॉट से और घूमने के कारण आगे की तरफ ओमेगा आर से, सो V नॉट प्लस ओमेगा आर बराबर V। अच्छा V बराबर ओमेगा आर इसमें नहीं कह सकते यार, ये रेस्ट में देख पर रूलिंग नहीं है, इस वाले पॉइंट का देखते हैं ना, इस वाले पॉइंट का। अच्छा ये वाला पॉइंट किधर जा रहा है, उधर की तरफ जा रहा है, कैसे मालूम उधर की तरफ जा रहा है, प्लैंक से मालूम चल रहा है, क्योंकि जो प्लैंक का होगा प्लैंक तो प्लेन जा रहा है, प्लैंक पे तो कोई दो ये दो वेलोसिटी इंपोज तो है नहीं, उस पे ना दो वेलोसिटी है, घूम भी रहा है चल भी रहा है, प्लैंक थोड़ी घूम रहा है तो क्यों चल रहा है, और जितना प्लैंक के कॉन्टैक्ट पॉइंट का होगा उतना ही उसके भी कॉन्टैक्ट पॉइंट का होना चाहिए तभी रिलेटिव रेस्ट होगा, तो मस्त है कि इधर जाना चाहिए इसको, तो बताओ इस घूमने के कारण यहाँ पे पीछे की तरफ है कितना है ओमेगा आर, इस घूमने के कारण यहाँ पर पीछे की तरफ ओमेगा आर है और चलने का वी नॉट है, तो बताओ ओमेगा आर ज्यादा है कि वी नॉट ज्यादा है, ओमेगा आर ना उधर नेट उधर है, सो ओमेगा आर माइनस वी नॉट इसको क्या कहा जा रहा है टू वी, तब माइनस पर लिख देना उधर ही तो लिए हैं, सॉल्व कर लो जो आएगा ये लेमन अप्रोच है जिसमें हम कह रहे हैं कि रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इफेक्ट होता है और हर पॉइंट पर दोनों का इफेक्ट होता है, जो नेट होता है वो होता है, ये पिछले क्लास में पढ़े, तो अभी जो फंडामेंटल जो अप्रोच है वो लगाया, तो सॉल्व कर इसको देखो कितना आता है, दोनों को जोड़ लोगे तो वी नॉट कैंसिल हो जाएगा ना, वी बाय
2 ओमेगा आर बराबर 3v, सो ओमेगा बराबर 3v / 2 आर ना। अच्छा माइनस कर लोगे तो v नॉट मिल जाएगा, माइनस करोगे नीचे वाला तो यहां माइनस यहां प्लस हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, तो 2v नॉट बराबर क्या हो जाएगा माइनस v, तो v नॉट बराबर माइनस v / 2। ये माइनस क्यों आया इधर मानोगे माने होते तो प्लस आ जाता, मतलब उधर ही है, उधर माने हो तो माइनस आ गया था, तो उल्टा करना होगा, मतलब उधर ही है, तो जिधर है उधर ही आ, कैसे भी मानो तो सही है। इसका इसका मतलब है कि ये मास किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, कितने स्पीड से सेंटर मास कितने स्पीड जा रहा है v / 2 से जा रहा है, और कितने से घूम रहे हैं 3v / 2 से ओमेगा। दूसरा एक तरीका है जो कैलकुलेशन से बाहर सोच सकते हैं आप, ये देखो इन दोनों जो दोनों पॉइंट्स है इसी से ओमेगा डिफाइन हुआ है इसका, तो एक दूसरे के रिलेटिव में ना ऐसे यदि ये इधर है ये इधर तो जोड़ना पड़ेगा ऐसे ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ओमेगा हमेशा देता है। दो पॉइंट फ्री हो तो भी, रॉड हो तो भी, अनसिमेट्रिकल बॉडी हो तो भी, ये तो सिमेट्रिकल है, यदि ऐसा है तो इसका इनके बीच में इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर है इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर है कितना वेलोसिटी हुआ रिलेटिव 3v हो गया हां yes. कितना वेलोसिटी 3v रिलेटिव समझ रहे ना yes. उल्टा होता है तो प्लस जाता है, उल्टा होता है तो प्लस होता है, उसे रिलेटिव में माइनस करना होता है पता है आपको, तो रिलेटिव में माइनस करने का ये मतलब नहीं कि हमेशा माइनस करता, मैं कहूंगा 10 में माइनस 2 जोड़ो तब 8 होगा ना घट जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है, जब कहते हैं जोड़ने का ये मतलब नहीं है कि ज्यादा ही होगा, इस पे डिपेंड करता है कि डायरेक्शन क्या है साइन क्या है, तो रिलेटिव वेलोसिटी घटाते तो है पर कहीं जुड़ जाता है कहीं घट जाता है, वैल्यू मैग्नीट्यूड कब जुड़ जाता है कब घट जाता है जाते तो हमेशा ही है, कब जुड़ जाता है उल्टा होता है तो जुड़ जाता है, हटाते से जुड़ जाता है, और जब एक ही तरफ होता है तो घट जाता है ऑब्वियस बात, तो उल्टा था तो रिलेटिव क्या हो जाता है 3v, और डिस्टेंस कितना है 2v है 2v, तो ओमेगा तो ऐसे ही आ गया मैंने कैलकुलेशन दिया, तो ओमेगा ऐसे भी लिख सकते हैं कितना आंसर है 3v / और सेंस कैसे मान लेगा, सेंस तो दोनों का एक ही है, देखो ये कर ये कर के ऐसे और ये भी तो वैसे ही कर रहा है, देखो ना सेंटर को देख के देखो सेंटर को देखो भैया, तो ये वाला कर रहा है ऐसे ही और नीचे वाला भी वैसे ही कर रहा है सेंटर को देख के सोचो, तो कोई दिक्कत नहीं है वही, तो जब सेम सेंस है तो वही वाला है, उल्टा होता तो हम सोचते हैं तो अच्छा सेंटर मास कैसे आएगा, सेंटर मास की वेलोसिटी ना पेन चलाए तो बिना पेन चलाए कर रहे हैं नए तरीके से, दोनों को साइन के साथ जोड़ लीजिए, साइन के साथ दोनों को जोड़ के टू का डिवाइड कर दीजिए, बीच वाला जो सेंटर है मतलब स्फीयर के लिए हर जगह के लिए तो सही नहीं है, है ना बीच वाला पॉइंट से, तो साइन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा ये 2v इधर है और v इधर है, तो साइन के साथ जोड़ना है तो किधर आएगा दे इधर ही आएगा अब बाई टू ना बाई टू एवरेज, सो टू भी इधर और ऊपर वाला भी इधर, तो जोड़ने पे ने किधर ही आएगा और कितना आएगा भी आएगा, तो वही है भी और बाई टू सॉरी बाई टू ना दोनों का, सो इसको ऐसे कर सकते थे यदि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, सो बी सी एम इज हाउ मच वी ए प्लस वी बी बाई टू साइन के साथ ऐसे, और ओमेगा कितना ओमेगा
VA minus VB by distance 2R. अच्छा ये फॉर्मूला क्या है तो तू कहीं बता सकते हैं फिर तो बताया ना बता विराम अच्छा यहाँ पे भी तो ऐसे कर सकते हो ये वाला जो किया गया है जो फंडामेंटल है कहीं और के लिए भी सही है असिमेट्रिकल बॉडी के लिए रॉड के लिए हर जगह ये थोड़ी लगाओगे जो जो जल्दी करते रहे हालांकि सोचा जाएगा तो सब जगह के लिए सही है दो पॉइंट के बीच में जो ओमेगा लगा हो ओमेगा ए होता है लाइन जो आनी के परपेंडिकुलर दो पॉइंट का रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज ओमेगा तो इसको जल्दी से बताओ बताओ इसका ये जो घूम रहा होगा पहले बताओ कि ऐसे घूम रहा होगा कि ऐसे घूम रहा होगा ऐसे घूम रहा होगा कि ऐसे घूम रहा होगा कि नहीं घूम रहा होगा ऐसे घूम रहा होगा ऐसे कैसे ये देखो ये पॉइंट वी से जा रहा है अच्छा जितना प्लैंक है उतना ही कांटेक्ट का ये पॉइंट वी से जा रहा है ये पॉइंट टू वी से है ना तो इस पर रिलेटिव लेने में माइनस करना है तो सही में माइनस हो गई इसको देखिए तरह से ना तो बताओ ये दोनों के बीच में रिलेटिव बताओ वी होगा और बीच की दूरी कितनी है 2r और घूमेगा ऐसे ऐसे कैसे मालूम चला ये ज्यादा माना जाएगा ना ये पॉइंट कर रहा है कि हम ऐसे घुमाएंगे देखो सेंटर को देख के देखो ना सेंटर यहाँ पे और नीचे वाला पॉइंट इधर 2v है इधर हम ऐसे घुमाएंगे और सेंटर को देखो ऊपर वाला पॉइंट तो करा ऐसे घुमाएंगे फाइट हो रही है किसकी बात मानी जाएगी नीचे वाले ने भाई नीचे वाला करा कि हम ऐसे घुमाएंगे ऊपर वाला करा हम ऐसे घुमाएंगे तो नीचे वाला ज्यादा वेलोसिटी है ना तो कैसे घुमेगा जीरो किसकी ज्यादा मानी जाएगी तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ओमेगा v / 2r सेंटर मास कैसे बताओ सेंटर मास की वैल्यू होता है PCM सम बाय 2 ना तो कितना हुआ 3v / 2 ओके क्या ऐसे लगाओगे जो फंडामेंटल है फंडामेंटल में तो फंडामेंटल ज्यादा समझ में आता है थोड़ा लंबा हो जाता है नहीं उसमें तो कुछ ऐसा भी सोचने की जरूरत नहीं होती है कि किधर घूमेगा कैसे घूमेगा कुछ भी मान लो वो सब साइड के साथ आ जाएगा मान लो कि इधर है और ऐसे घूम रहा है अच्छा इधर है ऐसे घूम रहा है तो भी साइड के साथ आ जाएगा इधर और ऐसे घूम रहा है मतलब उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है फंडामेंटल वाले सुपरपोजिशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है किधर घूमेगा क्या होगा क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज से नीचे वाला बता दोगे अच्छा ऊपर वाला तो ऐसे कर सकते हैं ना ऐसे नीचे वाला इसको जल्दी बताओ हाँ BCM बताओ कितना पहले बताओ कि BCM किधर जाएगा इधर जाएगा कि उधर जाएगा उधर जाएगा कैसे मालूम ऊपर वाला टू भी इधर है तो दोनों का वेक्टर सम करना है तो नेट उधर आएगा और बाय 2 तो कितना 2v / 2 बराबर v सही है अच्छा घूमेगा कैसे यार ये सब घूमेगा कैसे ऐसे घूमेगा कि ऐसे घूमेगा ऐसे इसका फाइट है कि एक सेम सेंस है सेम सेंस है ऊपर वाला पॉइंट कर रहा है कि देखो इसके रिस्पेक्ट में कर रहा है कि ऐसे घुमाएंगे और नीचे वाला पॉइंट कर ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे ही घुमाएंगे तो ओमेगा कितना होता है जल्दी से तब तो ऐसे ही घूमेगा दोनों के बीच में रिलेटिव 6v हो गया 6v / 2r कितना आ गया 3v / 2r सभी लोग फंडामेंटल से कभी देखो वही आता है कि नहीं जल्दी करो ऊपर वाले के फंडामेंटल लगाओ देखो वही आता है ये तो सीधा आंसर आ रहा है ना फंडामेंटल वाले करके देखो कि कुछ और आ रहा है वही आ रहा है फंडामेंटल से सुपर पोजिशन ऑफ टू
आपके सेम आ रहा है से कुछ हो रहा है सेम आ रहा है मान लेते हैं ये VCM है, ये किधर किधर जाता है B से और ये 2B से, तो इधर मान लेते हैं VCM है और ऐसे हो मेरे मान लेते कैसे दिख रहा है तो ऐसे ही मान लेते हैं पता है तो नहीं उल्टा भी माने तो फर्क नहीं पड़ता है वो सही आता है साइन के साथ आता है। चलो टॉप और जानबूझ के ऐसे माने हैं जानबूझ का ये वाला सही लग रहा है तो बताइए ये वाला पॉइंट चलने के कारण आगे ही चल रहा है सब चलते हैं और घूमने के कारण देखो ऐसे घूमने का ऐसे तो पीछे जा रहा है तो आगे की तरफ कितना होता है VCM माइनस ओमेगा आरटी भी कहो सेंटर ऑफ मास जितने चलता है उसके कारण सब चलते हैं और घूमते हैं घूमता है सब घूमते हैं तो घूमने का पीछे है और चल के कारण आगे है। चल ये लो बताओ चलने का तो ये भी चल ही रहा है VCM से और घूमने के कारण भी आगे है देखो घूमने के कारण भी आगे ही है तो कितना हुआ VCM प्लस ओमेगा आर बराबर टू बी सेम विलासी ना दूसरा भी जाएगा ना स्लिपिंग हो जाएगा सॉल्व करके देख लो याद है सेम है तो आपके ऊपर आपके लिए मतलब दो दो तरीका हो गया आप उसको कोई भी अप्लाई कर दीजिए। आईडी में आपको एग्जैक्ट तो हो गया था नहीं क्या है बस पर इस तरह का कुछ था बॉल बेयरिंग से बॉल बेयरिंग देखे हैं आप बेयरिंग देखे हैं उसमें बॉल बेयरिंग से होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स को मिनिमाइज कर दे और ऊपर से क्रीजिंग क्रीज भी रहता है उसमें कि और कम हो जाए तो फैन में भी इस तरह करता है तो बताना ये है कि कोई पी पॉइंट है कोई एग्जैक्ट नहीं आता है कि पी पॉइंट कहाँ पे था लेकिन तो सुपर पोजिशन लगाना है सब जगह ना कहीं पे भी सो कम से कम ये बता दीजिए कि यदि डिस्क मान लीजिए तो ये वाला पॉइंट यदि पी ले लें पी इसको ये पी है पी क्यू ये बॉल बेयरिंग वाला क्यू है दो का मतलब पता नहीं था P and Q मतलब फाइन वेलोसिटी और P पर पॉइंट P and Q अंदर में डिस्क है स्पेस में बॉल बेयरिंग्स हैं और ये विदाउट स्लिपिंग रोल कर रहा है
बताना है बॉल बेयरिंग्स का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा कितना है। इस मोमेंट पर जो टॉप पॉइंट है यहां से आर, जो दूरी है इसको आर मान लेते हैं, तो बताना है इसका उसका स्पीड कितना, वेलोसिटी। पी पॉइंट सेंटर से आर दूरी पर है, पी पॉइंट की वेलोसिटी बताइए, और बॉल बेयरिंग का सेंटर ऑफ मास एंगल हम दे सकते हैं इसे, ये केड़ा है। अच्छा ये इसको क्यों लिख देते हैं, क्या इसको क्यों रहने दीजिए, इसको भी लिख देता कि एंगल की जरूरत ना पड़े, इसका मतलब ये क्यों है। आपको बताना है कि स्लिपिंग कहीं पे भी नहीं है, तो बताना है कि कितना वेलोसिटी है इस बॉल बेयरिंग के सेंटर ऑफ मास का। ये तो मस्त है कि ये तो रोल कर रहा होगा तो ऐसे ही है, अंदर भी ध्यान दे लो, मतलब ये ऐसे नहीं बल्कि उल्टा घूम रहा है, ऐसे घुमा सकते हैं अंदर वाले को, बाहर वाला ऐसे चले और अंदर को ऐसे कर दो, कर सकते हो नहीं, अंदर को ऐसे बचा दो और बाहर वाला ऐसे रोल करता हुआ चले। थोड़ा इसने मैं रियलाइज कर रहा कि कहीं ना कहीं समझ आ गया कैसे हो रहा है, पहले बोले था कि अंदर वाले तो ऐसे ही होना चाहिए था, ये तब होता है ऐसे जब फिक्स सब रहता है ना, आगे पी पॉइंट का 3V0/2 देखते हैं। इसके अबाउट यदि ये चल रहा है तो सबको चलता हुआ मानना चाहिए, और ये पोर्शन अलग से घूम रहा है तो इस वाले पार्ट को घूमता हुआ मानना चाहिए। पर ऐसा मतलब पहली बार कि कोई चीज आगे चल रहा है, रोलिंग कर रहा है बल्कि आउटर साइड, फिर भी वैसे अंदर वाला पार्ट घूम नहीं रहा बल्कि अलग से प्रति अलग से कुछ और हो रहा है। इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं हो सकता कि सेपरेट होते हुए एक ही साथ सेंटर ऑफ मास कॉमन होगा, और उल्टा भी हो सकता है अलग अलग बात है ना, पर सुपरपोजिशन वैसे ही वजह से होता है। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि जब ये सेंटर ऑफ मास चल रहा था तो इसका भी सेंटर ऑफ मास चल ही रहा था, वैसे ही दोनों कॉमन है ना, तो इसका भी सेंटर मास था। अब इसको सेपरेट सोचते हैं कि पॉइंट इस पे है, बाहर वाले में सोचना ही नहीं है। यदि इसका वी नॉट है तो इस पॉइंट को भी कहते हैं आगे वी नॉट है, और इसके घूमने के कारण ऐसे ये पीछे है, कितने से पीछे है, ये ओमेगा इनटू आर से ना, यही ना रेडियस इसका 3R/2 है वैसे। तो देखो वी पी
इज इक्वल टू आगे की तरफ वी नॉट और पीछे की तरफ ओमेगा आर, दूरी आर है, सो वी नॉट ओमेगा दिया हुआ है अंदर वाले का, वी नॉट बाय इनटू आर कितना हुआ ये वी नॉट बाय टू आगे की तरफ है। अब हमको ये तो कि ये सेंट्रल मास इसकी वेलोसिटी कितनी है और जो बॉल बेयरिंग है जो बॉल्स हैं तो उसका जल्दी से बताओ कि उसका ओमेगा कितना है निकालो। ये कितने से घूम रहा है ये कितना ओमेगा 1 ना
या ओमेगा बी बहुत बेरिंग्स कर देते हैं, व्हाट इज ओमेगा बी, व्हाट इज ओमेगा बी, पहले तो दोनों के बीच की दूरी बताओ, बीच का दूरी तो मालूम है, दोनों के बीच की दूरी कितना है आर बाई टू, और रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, ये है नीचे की तरफ v नॉट और ये 3 v नॉट बाय 4, तो कितना हुआ 7 v नॉट बाय 4, v नॉट प्लस 3 v नॉट बाय 4 डिवाइडेड बाय r बाय 2, दोनों के बीच की दूरी ना यही तो हम पढ़े थे, तो कितना हो गया 7 v नॉट बाय 4 अच्छा इसे इस मोमेंट पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बॉल बेयरिंग की, तो अभी तो हम लोग नीचे निकालेंगे ना, बताओ नीचे की तरफ कितना है, कि नीचे की तरफ जी वाई वाला कितना है बताओ, नीचे इस मोमेंट तक जी वाई जाता हो ना नीचे, तो कितने से नीचे जा रहा है, दोनों का सम बाय टू ना, तो दोनों का सम करो साइन के साथ, ये वाला और ये वाला, तो सम करोगे तो वी नॉट माइनस थ्री वी नॉट बाई फोर डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई टू ना, तो कितना हो गया ये नीचे की तरफ, वी नॉट बाई, तो ये देखो इसका वी नॉट बाई एट नीचे और इधर भी तो है साथ में जा रहा है, तो बॉल बेयरिंग का उस वाले बॉल बेयरिंग का जो दिखा रहे हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, वी एक्स कितना है वी नॉट स्क्वायर और इधर नीचे कितना है वी नॉट बाई एट का स्क्वायर, कितना आ गया ये किया गया। अच्छा देखो हम इसी तरह का कुछ आया था, हमको ये याद नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट क्या था, तो अब बोला जब जरूरत होगा बोला निकालने वाला, तो इंडिपेंडेंट अपना अलग से ट्रीट कर लीजिएगा, हो सकता है इससे आसानी पूछा गया हो शायद आसानी, किधर बॉल बेयरिंग का कितना ओमेगा है, किधर वेलोसिटी, बॉल बेयरिंग का सेंटर ऑफ मास पूछ लिया, तो अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सुपर पोजिशन कर लोगे आप कहीं पे भी, आपके पास दो अप्रोच है, एक तो फंडामेंटल वाला किसी पॉइंट के लिए कि चलने वाला पीसीएम और घूमने वाला ओमेगा, बाकी कांटेक्ट पॉइंट का लगा लीजिए, नहीं इसी तरह को एग्जैक्ट तो नहीं होगा ना, हां नहीं देखा ये तो याद है कि फोटो ऐसे ही था लेकिन मैं पूछा क्या था आपको आपको याद नहीं है, तो आप करोगे तो हो जाएगा, ये होगा देखे हुए तो लग रहा है 8-10 साल हो गया होगा, कितना है कितनी का है 30 वैसे एंगल बनाने वाला था मैं बनाया नहीं, कर लो वैसे लगता है ना हो जाए, चलो क्वेश्चन लिखो दो, सीख लेंगे ये वाले इस वाले क्वेश्चन से,
Sony figure. As shown in figure, find value of h as shown in figure, find value of h, find value of h for pure rolling of solid sphere, find value of h for pure rolling of solid sphere. जिस सरफेस पे है वो सरफेस स्मूथ है जो कि रियल पे होता नहीं है कहीं. करिए अच्छा एच की वैल्यू कैपिटल आर के टर्म में बतानी है ना, मतलब एच बताना है तो बाकी सब जो दिख रहा है वो दिया हुआ है. अभी मत करना कि सर एच भी तो दिया हुआ है. जल्दी करो फिर से आपको वहां पूछ गए जहां पे फ्री बॉडी डायग्राम और दो ट्रिक क्वेश्चन लिखना है, एक बराबर ए एक टाउ बराबर आई होगा और प्योर रूलिंग करके आपको पता है कि क्या होना चाहिए. सभी लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और f बराबर a a, f इक्वल्स टू a a और tau इक्वल्स टू i अल्फा लिखो दो सभी लोग. और प्योर रोलिंग का कंडीशन लगाओ. प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या होता है? ये पॉइंट रेस्ट में रहे. ये पॉइंट रेस्ट में तब होता है जब v बराबर ओमेगा r होता है और रेस्ट में ही रहे फर्दर क्योंकि एनी का एनी का किसी मोमेंट पे प्योर रूलिंग हो. प्योर रूलिंग का कंडीशन वी बराबर ओमेगा है और प्योर रूलिंग होते रहने का कंडीशन है वी बराबर ओमेगा आर के साथ में ए बराबर अल्फा. फिर सुनो क्या बोल रहा हूँ. किसी मोमेंट पे प्योर रूलिंग का केस तो यही है कि वी बराबर ओमेगा आर हो, एक्सेलरेशन का रिलेशन हो या ना हो, लेकिन आगे भी होता रहे तो डिफरेंशिएट कर लो. डिफरेंशिएट करोगे v बराबर ओमेगा r को तो तुम्हें a बराबर अल्फा r भी मिल जाएगा. यदि a बराबर अल्फा r नहीं हुआ अब v बराबर ओमेगा r हुआ तो क्या करोगे? क्योंकि इस मोमेंट पे प्योर रोलिंग कंडीशन होल्ड तो कर रहा है लेकिन अगले मोमेंट में नहीं करेगा. अगले मोमेंट में भी करना होगा तो क्या होना होगा? a बराबर अल्फा r होना होगा. चलो तो ये तो नहीं कहा ना किसी मोमेंट पर किसी ए बराबर अल्फा आर भी होगा. चलो ए बराबर ए ए लगाओ और टाउ बराबर आई अल्फा लगाओ. प्योर रोलिंग कंडीशन, प्योर रोलिंग कंडीशन, रोलिंग कंडीशन फॉर रोलिंग वी बराबर ओमेगा आर के साथ में क्या भी होना चाहिए? ए बराबर अल्फा आर भी होना चाहिए होते रहने के लिए. टू आर बाई फाइव टाइम हो गया करते हैं. देखो सभी लोग देखो
नीचे एम जी, अच्छा ये मैं अपने से ले लिया हूं, यहां नॉर्मल फ्रिक्शन लगा नहीं सकता, फ्रिक्शन है नहीं, बाकी एक तो लगा ही पर ठीक है, कंप्लीट फ्री बॉडी लग रहा, एक तो लग ही रहा था, एक जी नहीं दिख रहा लगा दिया हूं, कांटेक्ट है तो नॉर्मल लगा दिया हूं, इसके अलावा कोई सोर्स तो है नहीं फोर्स लगाने का, जो आदमी लगा रहा था यहां पे अच्छा करके ऐसे नहीं पिन बना देते हैं स्टिक, कई लोग इसी से नहीं करते, फोर्स लगाना तो थोड़ा आराम लगता है, कहते हैं आप जानते यही दिक्कत है, ये जो स्टिक आ गया ना यही वाला नहीं किया बस, तो एक ही बात है कोई फोर्स लगाता है तो कोई तो फोर्स लगाता होगा, तो ये ट्रिपोट डायग्राम है लिखते हैं एक बराबर ए बी फ्रिक्शनल फोर्स है, तो चलने का ए मान लेते हैं और घूमने का अल्फा, ठीक है, अच्छा ये दोनों चाहिए टाउ बराबर आई अल्फा के लिए, टाउ बराबर आई अल्फा के लिए ओमेगा की जरूरत नहीं होती और ए बराबर ए ए के लिए वी की भी जरूरत नहीं होती है, ए बराबर ए ए ए चाहिए तो मैं ए चाहिए ए चाहिए कुछ दिया रहेगा कुछ कुछ निकालना होता है, वी से थोड़ी मतलब इंस्टेंटेनियस सिस्टम ये बताओ तो जरा उधर की तरफ जाने का कितना ट्रांसलेशनल मोशन ना इंडिपेंडेंट फोर्स बताओ सर, अच्छा ये तो बैलेंस है ना, ये पहले तो ये लिख लो F बराबर mg, उधर फोर्स बताओ कितना F बराबर, भूल मत जाना यहाँ पे A तो लिख लो लेकिन ये सेंटर मास का होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास A, इसका मतलब ये हुआ, इमेजिन करो तो यदि मैं यहाँ पे F लगाता यहाँ पे F लगाता यहाँ पे F लगाता यहाँ पे लगाता तो क्या नहीं बदलता होता बताओ, ए नहीं बदलना होता क्योंकि एक बराबर एम ए के लिए पोजीशन से मतलब ही नहीं होता, ये तो ट्रांसलेशनल मोशन है ना, ट्रांसलेशनल मोशन में ये देखना ही नहीं होता कि एक्शन ऑफ फोर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पोजीशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है, जरूरत ही नहीं होता और किसी में नहीं जरूरत होता है, ये पहले ही बताया हूं आज फिर बता रहा हूं, इसका मतलब एक कहीं भी लगाते सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो एक पर ये भी होता, सब के लिए ना, यदि अच्छा ही नहीं बताया होता तो कोई लोग सोच ही नहीं पाते, कई लोग सोचते हैं सर यहाँ पे लगाएं सब अलग अलग होगा, सर यहाँ पे लगे तो उलट जाएगा ना, इसलिए कैसे वही चले वही उड़े तो वही कैसे होगा, मन में आ सकता है लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास उतना ही होगा, रोटेशन उलट जाएगा, तो अच्छा एक बराबर आएगा बस इतना ही होता है लगाना होता है, दूसरा टाउ बराबर आई अल्फा, टाउ बराबर आई अल्फा टाउ कितना है बताओ, पहले किसके बाद ना भूल के क्या तू यार, मैं इतना खो जाते हो कि वो ना भूल ही जाते हो ना, तुम्हें कहो टा कितना है क्या बोला है, ये लो इसके बाद ओके बट तो क्या आप लिख रहे हो टाउ अबाउट टू आई अबाउट टू अल्फा अबाउट ये बोल दी, यहां भी लिखो ऐसा नहीं कि टाउ किसी और के अबाउट लोगे और आई किसी और के अबाउट लोगे, ये हो नहीं सकता गलत हो जाए, चलो इसके बाद बताओ इसके बाद टॉर्क बताओ तो एम जी का टॉर्क बताओ जीरो और एन का टॉर्क, अभी मतलब सर हल्का से पगड़ी आया हुआ है वो तुम लोग दिखाने के लिए दिखा रहे हैं तो वहीं से पास कर रहा है, सो इन दोनों का टॉर्क जीरो है इसी का टॉर्क है, अच्छा टॉर्क में आपको आगे पीछे फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, कई लोग तो ये सोचने लगते हैं ये वाला, तो फिर आर क्रॉस हेल्प करना होगा ना तो वही मिलेगा, तो ज्यादा अच्छा है कि हम लोग फोर्स लाइन ऑफ फोर्स को क्या करें आगे पीछे बढ़ा लीजिए और जिसके अबाउट टॉर्क पढ़ना है वहां से परपेंडिकुलर खींच लीजिए उस पर जितना नेट मिलता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके, जल्दी बताओ टॉर्क कितना
एफ इंटरेस्ट सही है इसी के कौन आई होगा 2.5 a स्क्वायर सही है इंटू अल्फा अल्फा माने ना अल्फा की जगह क्या रख सकते थे रोलिंग कंडीशन ना क्यों रोलिंग करना है ना सो एफएच एफएच इज इक्वल टू 2.5 a मार स्क्वायर इंटू अल्फा की जगह क्या रखने a by r सही है इन दोनों को दोनों को सॉल्व कर लोगे जल्दी निकालो देखो क्या आता है एक जगह एक पाई एम रख लो यहाँ पे और सॉल्व करो सब्स्टिट्यूट करो ना यहाँ पे कितना मिलेगा इन दोनों को सॉल्व करोगे इन दोनों को तो कितना मिलेगा बताओ h बराबर 2r/5 सही है इसका मतलब आप समझो स्मूथ था जो रियल लाइफ नहीं होता यदि आप सेंटर से हॉरिजॉन्टली 2r/5 पर यदि फोर्स लगाते हैं स्मूथ सरफेस पे हॉरिजॉन्टली सेंटर से 2r/5 हाइट पर तो सॉलिड स्फीयर प्योर रोल करता हुआ चलेगा और प्योर रोल करता हुआ मतलब नीचे कॉन्टैक्ट पॉइंट पे नीचे स्लिपिंग नहीं होगी जबकि स्मूथ है ना तो यहां से क्या आइडिया लगा यदि मैं इसकी जगह डिस्क दिया होता तो आंसर कितना आता r/2 क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कोफिशिएंट है वो अलग नंबर आ रहा है बगल में आ रहा है यही नंबर है तो इसका मतलब डिस्क होता तो कितना आता है सेंटर से कितना है r/2 रिंग होता तो टॉप पे लगाना पड़ता है यहाँ रिंग होता तो टॉप पर लगाना पड़ता अच्छा हॉलो स्फीयर होता तो प्लास्टिक की बॉल होती है ना कचकर की क्या होता है कचकर प्लास्टिक प्लास्टिक वाली जो बॉल होती है उसपे कितने कितने हाइट पर लगाएं बताओ 2r/3 2/3 होता है उसमें तो कितने हाइट पर सेंटर से कितने हाइट पर 2r/3 सो रिंग ऐसा केस है जिसपे आपको टॉप लगाना होगा हल्का सा नीचे लगाए रोलिंग नहीं होगा क्योंकि ये जब निकाले हो तो रोलिंग के लिए निकाले हैं तो रिंग पे यहां पर लगाना होगा हॉलो स्पेस पे 2r/3 को लगाना होगा डिस्क पर r/2 को लगाना होगा सॉलिड स्फीयर पर 2r/5 पर लगाना होगा वैसे तब यहाँ पे प्योर रोलिंग होगा अच्छा यदि आप ये नहीं किए तो क्या होगा बताओ मान लो 2r/5 नहीं है इसे r/2 कह दो कहो कि नहीं ये r/2 मैं इस मतलब h कुछ नहीं रहा हूँ h दे रहा हूँ कह रहा हूँ कि भाई मैं r/2 हाइट पर लगा रहा हूँ क्या होगा जब तुम r/2 पर लगा रहे होगे ऊपर नीचे करने जा रहे हो तो तुम क्या नहीं बदल रहे होगे ट्रांसलेशनल किस पे प्रभाव पड़ रहा होगा रोटेशनल यदि तुम 2r/5 से थोड़ा ऊपर गए तो तुम किसको बढ़ा लिए होगे रोटेशनल और 2r/5 से थोड़ा नीचे गए तो घटा लिए होगे और थोड़ा नीचे गए तो और घटा दिए होगे और सेंटर पे चले गए होगे यहां पर लगा रहे हो तो रोटेशनल जीरो हो गया होगा अरे सेंटर से पास लगा होगा इन दोनों का तो टॉप जीरो था ही उसका भी टॉप जीरो हो जाएगा और थोड़ा और नीचे चले गए तो रोटेशनल उलट गया होगा पहले ऊपर लगा रहे थे तो ऐसे हो रहा था सेंटर पे लगा रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था और नीचे लगा रहे तो ऐसे घूम रहा होगा पर क्या नहीं बदल रहा होगा ट्रांसलेशनल काफी इंटरेस्टिंग है और ये मैं इसलिए इतना डिटेल में और ऐसे बता रहा हूँ पता नहीं कोई टीचर ऐसे पढ़ाता है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाकी अच्छा मैं भी तो पहले टीम है हमको तो नहीं पढ़ाते सर तो वो क्या दूसरे टीचर्स क्या कहते हैं वो बताता हूँ दूसरे टीचर्स कहते हैं कि फ्रिक्शन है तो खासकर ये तो मैं जान बुझ के यहाँ से शुरुआत किया हूँ फ्रिक्शन में बोलते हैं कि यहाँ पे आप फोर्स लगा
सकता है फिक्शन ऑफ कोर्स कितना किधर लग रहा है, तो कितना के लिए तो मेहनत करना होगा, पर किधर के लिए तो मैं देख के बता दूंगा, तो वो तभी बता पाएंगे जब जानते रहेंगे जो अभी कर रहे हैं, क्योंकि रोलिंग में सर्कुलर स्फेरिकल बॉडीज के लिए रोल करता हुआ बॉडी में आगे रोल कर रहा है, अब फ्रिक्शनल फोर्स आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है और नहीं भी लग सकता, कोई ब्लॉक नहीं है, और रोटेशनल क्यों कठिन है पता चलने वाला है आप लोगों को भाई, रोटेशनल भाई ब्लॉक भी तो साफ दिखता है ना, सरक रहा है तो पीछे लग रहा होगा, यही होता है ना, तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे इसका। चलो फिर से देखते हैं इसको, यदि ये 2r/5 पर है, ये 2r/5 पर, तो ये पॉइंट रेस्ट में है, क्यों, क्योंकि इस f का दो इफेक्ट है, ट्रांसलेट भी करवाता है और रोटेट भी करवाता है, ये है ना, ये f दो काम कर रहा है, चला भी रहा है और घुमा भी रहा है, तो घुमाने के कारण ये पीछे जाता है और चलाने के कारण आगे जाता है, और इस तरह से 2r/5 पर होता है कि वो रेस्ट में होता है, जैसे रोलिंग कहते हैं। लेकिन अभी बताओ मैं r/2 कहा था, तो r/2 by 2r/5 मतलब 0.4 आ, 2r/5 मतलब 0.4 आ, और r/2 मतलब 0.5 आ, तो मैं कहूँगा कि 0.5 वाले पर लगा रहा था, थोड़ा ऊंचा लगा रहा था, थोड़ा नीचा, इसका मतलब क्या बढ़ा दिया होगा, इसका मतलब ये वाला ज्यादा कर दिया होगा, ये वाला ज्यादा, किसमें है कितने हाइट में बैलेंस रहता है, अब r/2 कर दोगे तो कौन सा वाला बढ़ गया होगा, इधर वाला, तो इधर वाला बढ़ गया होगा, तो नीचे वाला कांटेक्ट पॉइंट किधर स्लिप कर रहा होगा, और जा किधर रहा है, सो दिस इज रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग, क्या ये, अब इमेजिन करो अपना क्वेश्चन ले लो ना, रफ क्या है, मतलब फ्रिक्शनल फ्रिक्शन है, रफ रफ सरफेस है, अब फोर्स लगा रहे हैं r/2 पर, सॉरी इस पे, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा बताओ, आगे लगेगा, यदि सॉलिड स्फीयर है और r/2 पे फोर्स लगा रहे होंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा होगा कि इधर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, तो बताओ अभी हम लोग निकाल रहे हैं कि r/2 के लिए इसकी टेंडेंसी किधर से रखने की, या तो इधर से नीचे से ऐसे ना पीछे, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, आगे, तो देखो पता चल गया बिना किए, अच्छा दूसरे टीचर्स होते हैं क्या पढ़ाते हैं, कहते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स को आगे मान लो चाहे पीछे मान लो, लास्ट में साइन के साथ आ जाएगा, तो लास्ट में आएगा, हम तो पहले ही बता रहे हैं, हम तो अभी बता रहे हैं किधर आएगा, किधर किधर लग रहा है, तो कम से कम डायरेक्शन तो पता चल ही गया है ना, तो इसकी वैल्यू याद रखिएगा, हम लोग तो कि दिक्कत नहीं होगी याद रखने में, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बगल वाला जो नंबर वही वाला, यस सर, हां यस सर, बस एम आर हटा देना है उसमें से, केवल आर रहेगा बगल में, बस यही है। अच्छा एक और दिक्कत, यदि मान लो सॉलिड स्फीयर कर देना कि सॉलिड स्फीयर पर स्मूथ सरफेस पे है, सॉलिड स्फीयर पे कितना है, कितने हाइट पर लगा है, तो सर पढ़ाए हैं 2r/5 बाकी चले गए कलर का
ग्राउंड से 7R/5 पर लगा रहा हूं और फ्रिक्शन रफ सरफेस है तो बताइए फ्रिक्शन फोर्स आगे जाएगा कि पीछे जाएगा कि नहीं लगेगा। हां तो अभी ना जानते हो और ये सब बहुत कठिन क्वेश्चन था, आसान था है नहीं ये सब, ये इसलिए हम लोगों को पता चल गया क्योंकि आज हम लोगों को स्टडी से मालूम चल गया कि ये सब वैल्यूज क्या आ रही है। तो इस पे हजारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और अब आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, देखो तो जिस तरीके से r / 2 पर आगे लग रहा था इंटरेस्टिंग, ये देखो सर्कुलर ये रोटेशन कितना खतरनाक है। ये रहा 2 केजी का सॉलिड स्फीयर और रेडियस है 2 मीटर, रेडियस 2 मीटर ना, तो सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, रेडियस 2 मीटर और जब सरफेस जो नीचे का सरफेस है इसे फोर्स लगाते हैं हम लोग, कोई आदमी ऐसे पुश कर रहा था 10 न्यूटन से ना, जब हम इसको अच्छा है इसको कैसे भी कर सकते थे, एक सॉलिड स्फीयर है चाहे हॉल सिलेंडर भी रहता तो भी हो सकता था, सॉलिड सिलेंडर ऐसे उसके उसके अराउंड रैप करके रस्सी लपेट के खींच रहे हैं जो ज्यादा रियल लगेगा, हालांकि ये भी वही बात है उधर ही पुश कर रहे हैं। इमेजिन करें कि हम उसको ऐसे लपेट के खींच रहे हैं 10 न्यूटन से, तो नीचे वाला सरफेस स्मूथ है ना, तो जानते हो कितने से भागेगा, कितने से आएगा, कितने से ट्रांसलेट करता हुआ आएगा, कितने एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकंड इस पास है, कितने से भाई नीचे स्मूथ है फोर्स 10 न्यूटन और मास 2 केजी तो एक भाई कर ली होगी। इंटरेस्टिंग देखो जब स्मूथ था तो 5 से आ रहा था और रफ कर दो तो ज्यादा से आ जाएगा, क्यों जानते हो कितनी अजीब सी बात है रोटेशनल क्यों टर है इमेजिन कर सकते हैं कि जब हम ट्रांसलेशन क्या देखते थे कि भाई किसी बॉक्स को पुश कर रहे थे फोर्स लगा रहे थे तो स्मूथ था तो ज्यादा से चल रहा रफ होगा तो कम से चल रहा नहीं चल रहा। यहाँ पे क्या था देखो, यहाँ पे जब स्मूथ था तो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा था तो 5 से भाग रहा था सेंटर ऑफ मास तो शिफ्टिंग उसकी, और जब रफ था तो 10 ही न्यूटन लगाया और ज्यादा से भागा, बहुत सरप्राइज है ये तो जादू ही हुआ ना यार कि लगा रहे 10 न्यूटन भाग रहे 10 से ज्यादा वाले वैल्यू से, क्यों ऐसा भाग रहा मालूम है नीचे फ्रिक्शनल फोर्स उधर ही लग गया, कैसे मालूम कि उधर लगा है कितने हाइट पर लगाते तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता 2R/5 पे है, लेकिन ऊपर लगा रहे हैं तो बताओ ये वाला तो बदलता नहीं है, कौन सा पड़ गया भाई ये वाला, इमेजिन कर पा रहे हो लोग ये वाला ऊपर लगाने पे ये वाला पड़ जाएगा और उतने 2R/5 लगाने पे बैलेंस रहता है, अब 2R/5 थोड़ा नीचे लगा दोगे तो ये वाला तो उतना ही रहेगा, यही वाला घट जाएगा 2R/5 पर, ये वाला और ये वाला बराबर होता है, नीचे कर दोगे 2R/5 से सेंटर से 2R/5 से थोड़ा नीचे कर दोगे तो ये वाला वही रहेगा, ये वाला घट जाएगा जो बैलेंस है, तो नेट किधर रहेगा आगे, और 2R/5 से ऊपर कर दोगे तो ये वही रहेगा, ये घटता पड़ता है नहीं, ये वाला बढ़ जाता है तो नेट किधर रहता है पीछे, और 2R/5 रहता है तो बैलेंस रहता है, फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। तो बताओ 2R/5 से ऊपर लगा रहे हो ना, तो ये वाला तो वही रहा होगा ट्रांसलेशनल, ये वाला बढ़ गया होगा, तो टेंडेंसी किधर है पीछे, फ्रिक्शनल फोर्स बचाए किधर लेगा आगे, इसका मतलब 10 न्यूटन मैं लगाया कुछ और लगा हुआ है, तो ट्रांसलेशनल वाला देखोगे सेंटर ऑफ मास का तो 10/2 होगा कि 10+ something/2, तो 5 से ज्यादा भागा ना, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये भी
अब ये रहा कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, तब तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। कम से कम ये तो पता चल गया ना कि ज्यादा से, ये तो आइडिया लगा ना, ये लगा कि ज्यादा से भागेगा, ये आइडिया लगा कि फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये कर लिया कम से कम, है ना। हाँ, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि म्यू के बारे में, मिनिमम म्यू कितना हो इसी केस के लिए, मिनिमम म्यू कितना हो फॉर प्योर रोलिंग, नहीं मिनिमम म्यू कैसे निकालोगे, फ्रिक्शन की जो जो थ्योरी थी वही थ्योरी आएगी, अलग से नहीं कुछ है। अच्छा हाँ, मैं बताना भूल गया, फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्शन के लिए फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा इसी केस में, तो आप ये कह सकते हैं ना कि सर फोर्स लिखेंगे तो एम प्लस एम लिखेंगे तो कैसे आप कि 10 ही न्यूटन के लग रहे हैं, जब फ्रिक्शन मान रहे हैं तो 10 ही न्यूटन के सोच रहे हैं, तो याद करो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा बताने के लिए थोड़ी देर के लिए स्मूथ मानते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा ये सोचने के लिए बताने के लिए क्या करते हैं, अब फिर देखते हैं स्लिपिंग किधर हो रही है फिर लगाते हैं, यही ना। आप ये नहीं कह सकते कि सर सर वो स्मूथ वाला जब फ्रिक्शन है तो स्मूथ वाला क्यों सोच रहे हैं, 10 ही न्यूटन क्यों सोच रहे हैं, तब क्यों ट्रांसलेशन के नाम पे क्यों 10 ले रहे हैं, तो मैं बस फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन के लिए सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक बराबर एम यही लिखूंगा कि 10 न्यूटन, राइट। तो ये समझ में आप लोगों, तो जल्दी से सही में इसके लिए बता ही दीजिए ना कि मिनिमम म्यू कितना लगेगा, फाइंड मिनिमम म्यू required for pure rolling, वो जो फोटो बना हुआ है, ये जो फोटो बना है, find minimum mu मतलब find minimum coefficient of friction between solid sphere and surface for pure rolling। अच्छा ये फोटो बनाई है तो find minimum mu for pure rolling, इतना ही। और सॉलिड स्फीयर मान लो, और तुमको पता चल ही गया कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, और रोटेशनल में ध्यान रखना फ्रिक्शनल फोर्स किधर भी लग सकता है, आपको पता चल ही गया कि आगे भी लग सकता है, किधर चल रहा है उधर भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, अचलता है पता, ट्रांसलेट करेगा आगे बढ़ेगा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, अब पीछे भी लग सकता है आगे भी लग सकता है। चलो करो जल्दी से, जब 2r/5 आया है उसमें फोर्स नहीं आया,
इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ज्यादा लगाइए चाहे कम लगाइए, प्योर रोलिंग ही होगा। ऐसा क्यों? मान लो डंडा लेके मार दिए तो सर नहीं जाएगा भाई? डंडा लेके मारोगे तो वो भी इंपल्सिव फोर्स होगा, बहुत हाई ऑर्डर का होगा। तो ज्यादा फोर्स, अच्छा क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई भी फोर्स लगाओ वो प्योर रोलिंग होगा? 2/5 होना चाहिए और जेंटल फोर्स होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पे इसको इसको सरक जाना चाहिए ना, क्यों? हाँ देखो, ये रीजन ये है कि बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो बहुत ज्यादा टॉर्क भी आएगा उसी प्रोपोर्शन में। मतलब आप यदि फोर्स लगाएंगे तो बहुत तेज भागेगा ना, तो बहुत तेज घूमेगा भी, और नीचे वाला किस में रहेगा? रेस्ट। क्लियर हुआ? और यदि डंडा से मार दिए 2/5 पर तो बहुत तेजी से वेलोसिटी गेन करेगा, तो बहुत तेजी से ओमेगा भी गेन करेगा। इंपल्सिव वेलोसिटी गेन करेगा तो इंपल्सिव ओमेगा भी गेन करेगा अचानक से, और नीचे वाला पॉइंट किस में रहेगा? रेस्ट, क्योंकि जब एक नहीं आया तो नहीं आया। अब ये नहीं है कि हाई ऑर्डर के लिए कुछ बदलेगा, ऐसा नहीं है। एक पॉइंट ये है, क्योंकि अच्छा मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि एफ नहीं आया है ना, मास भी नहीं आया है, ये भी देख रहे हो। चलिए करिए, ये बताना था कि उसमें एफ की बात नहीं आई थी, ये बताना था। कहिए, चलिए मैं करता हूँ, देखिए तो अच्छा क्या करना था मालूम है ना, बस एक बराबर ए बी एफ टाउ बराबर आई अल्फा लिखना था, बस इतना ही था। चलिए मैं देखता हूँ, ये देखिए नीचे एम जी, ऊपर नॉर्मल, और हम लोग को मालूम है कि फ्रिक्शनल फोर्स आगे जाएगा ना, याद है ना? अच्छा इसी को पढ़ाते हुए तो कहते हैं कि आगे लगा लो चाहे पीछे लगा लो, अच्छा है मत लगा लो, मत वाला गड़बड़ है, नहीं लगा वाला स्पेशल है, बल्कि इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ ये जनरल। कई लोगों को यही नहीं पता होता है, लोग लगता है आगे लगाना स्पेशल है, आगे लगाओ चाहे पीछे लगाना ये जनरल दोनों है, नहीं लगाना स्पेशल। हालांकि नहीं भी लग सकता है, लेकिन नहीं लगाना स्पेशल है। तो बहुत कम लोग तो यही पता होता है कि जनरल स्पेशल क्या है ना, इसका भी ध्यान रखना। तो टीचर्स क्या बोलते, कहते हैं कि किधर भी लगा लो लास्ट में साइन के साथ आएगा, और सही भी है, लेकिन हम लोगों को पता चल चुका है कि किधर लगेगा। एनीवे एक बार आगे लगा है, माना कि कितने से चल रहा है ये ए से, और कितने से घूम रहा है अल्फा से, क्या कुछ बताओ जल्दी से। 10 प्लस एफ बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक लिखा हूं? यस सर। हैं अच्छा, तो घूमने वाला लिख देते हैं ऐसे, ये वाला पॉइंट। अच्छा मान लो जल्दी जल्दी में एफ के कारण ऐसे, टेन के कारण ऐसे, मालूम है नहीं तो ऐसे वाला ज्यादा ले लेते, अल्फा ऐसे तो नहीं आता, अल्फा ऐसे ले ले तो नहीं आता, कैसे आता होगा? कहते कि चलने के कारण सब चल रहा है। अच्छा एक्सीलरेशन में भी होता है, चलने के कारण सब चल रहा है, और ये ऐसा घूमता हुआ मानते तो घूमने के कारण सब घूम रहा है तो ये भी आगे ही आ जाएगा, और लिखना होगा जीरो। क्या लिखना होगा? नीचे वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन, अच्छा नीचे वाला पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो होता है क्या जब मान लो भाग रहा हो तब? जीरो नहीं होता, ये वाला लिख रहा है जिधर फोर्स होता है, एक्स वाला लिख रहा है इधर की तरफ होता है, याद है पढ़ाया कितना होता है यार? जब ओमेगा अचीव कर लेगा तब तो होता है, मान लो शुरू भी नहीं है, शुरू भी क्यों नहीं है? ओमेगा नहीं है, ओमेगा लेकिन ओमेगा होगा तो ये ए भी होगा, ये अल्फा भी होगा, और वो वाला भी होगा, वाई वाला भी, ध्यान रखना ये भी आसान नहीं है, कठिन हो रहा है, रोटेशन कितना कठिन होता है देख लो। सो जल्दी से बताओ, टाउ टाउ बराबर आई अल्फा लिखते हैं, टाउ बराबर आई अल्फा, व्हाट इज टाउ? किसके अबाउट ना, फिर से जरा लिख दो यार, किसके अबाउट ओके अबाउट लो पता। अच्छा कई लोग खुद अपना बताते हैं जब ओके अबाउट तो फिर बताते नहीं, खुशी रहती है कि कम से कम किसके अबाउट बोले तो सही, किस तो मिला नहीं कर सब बोल तो ले।
जल्दी बताइए, हो गया हो गया, ऑर्डर है। टाउ हो गया, और कितना टाउ बताइए? एम जी का टाउ जीरो। अच्छा एम जी की जगह हमें क्या लिखना चाहिए था? 20 ना। जल्दी बताओ कितना टाउ हो गया, और टाउ बताओ। देखिए जल्दी 10 × 2 आज बताओ कितना? 2π/π m r स्क्वायर सही है? यस सर। इनटू अल्फा मालूम है ना? a बराबर अल्फा r ना? सही है? सो इट इज अल्फा ए भैया। अरे ये गलत हो गया क्या? तेरे बोल तो रहे गुंडा रहे थे। ये देखो टॉप ऐसे है। अच्छा इधर वाला ही अल्फा सही है। यदि अल्फा इधर मानते तो भी साइन के साथ आ जाता, क्योंकि जब अल्फा ऐसे होता तो ट्रांसलेशनल से नीचे वाले पॉइंट को आगे चलाते और घूमने के कारण भी आगे ही चलाते और बराबर जीरो करते, माइनस होता। बोलो। लेकिन जब ऐसे मानोगे तो कहोगे घूमने के कारण पीछे और चलने के कारण आगे, ट्रांसलेशन के कारण आगे, सी सेंटर ऑफ मास वाला। तो अब जीरो हो सकता है, उल्टा है, बता दो। तो जल्दी से बताओ ये वाला सही है। तो ये वाला सही है, इसका मतलब ये वाला सेंस लेना है। तो 10 × 2 माइनस ना, यदि ये वाला टॉर्क ऐसे ले रहे हो किधर की तरफ है? अंदर। तो अंदर प्लस ले लिए तो इसका कैसा होगा? बाहर फोर्स का, पिछला फोर्स का। सही है? सॉल्व कर लोगे? जल्दी से सॉल्व कर दो। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा नहीं क्या? यदि मैं कहूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, इसके लिए कई लोग कहते हैं न्यू देंगे तब ना। फ्रिक्शनल फोर्स में तो न्यू चाहिए, निकालो जल्दी। फ्रिक्शनल फोर्स में न्यू थोड़ी चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करो, इसको और इसको, इसको इसको, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा? 30/7 और एक्सेलरेशन कितना आएगा? 50/7 एक्सेलरेशन 50/7 और अल्फा कितना आएगा? 25/7 ना ए बाई आर। जल्दी से सॉल्व करो तुम लोग जो नहीं किए हो। तो आप देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कहा गया था, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है और कितना लग रहा है। तो इसका आंसर है फॉरवर्ड लग रहा है, टुवर्ड्स लाइट लग रहा है स्क्वायर पे, और इतना लग रहा है 30/7। और इसके लिए न्यू की जरूरत नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स में न्यू की जरूरत है। हाँ लेकिन अच्छा ये सब क्वेश्चंस थे जो मैं पूछा नहीं था, मैं तो थोड़ा कठिन पूछा हूँ कि मिनिमम न्यू क्या होना चाहिए, नहीं तो ये सब भी क्वेश्चन थे ऐसे। तो बताओ नॉर्मल कितना? 20। तो एक मैक्सिमम कितना? अच्छा इसे एक मैक्सिमम म्यू मानते हुए म्यू एन दैट इज म्यू 20। इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, इस म्यू एफ मैक्सिमम की वैल्यू ये सॉलिड स्फीयर पे कोई फोर्स मत लगाओ, रुका रहे तो भी यही जाता है, चले और स्लिप ना करे तो भी यही जाता है, और चले और स्लिप करे तो भी यही जाता है। इसका तो होने ना होने से मतलब नहीं होता, ये तो जितना जाता है उतना जाता है, तो लिमिटिंग वैल्यू है ना, इसका होने से कोई मतलब नहीं होता, होने ना होने ये सबसे होता है। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स अलग से निकाला जाता है, क्या हो रहा है क्या कहा गया है उसकी अपनी वैल्यू होती है, और फ्रिक्शन की फंडामेंटल थ्योरी है एफ लेस देन टू एफ मैक्सिमम। इस ये इस क्वेश्चन का नहीं है, ठीक है? ये फ्रिक्शन की थ्योरी है कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू या तो एफ मैक्सिमम होगा या उससे कम होगा कुछ भी होने के लिए। यदि ये और ये कुछ भी होने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या उससे कम होगी कुछ होने के लिए,
यदि ज्यादा की जरूरत है तो नहीं होगा जो तुम सोच रहे हो, चाहे प्योर रनिंग सोचने वाला हो, चाहे किसी बॉक्स का सरकना चलना हो, चाहे नहीं हो। यदि कुछ ऐसा हो रहा है कि उससे ज्यादा की जरूरत है, जैसे मान लो बॉक्स को रोकने के लिए ज्यादा की जरूरत है मैक्स से, अच्छा भी कहा जाए कि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो फिर जो सोच रहे हो रुकने वाला रुक ही चल देगा। मतलब जो आप सोच रहे हैं वो तभी संभव है जब फ्रिक्शन की जरूरत इतनी हो कि मैक्सिमम या उससे कम की जरूरत हो, तो ठीक है कर लेते हैं। राजू जो पूछा गया है एक निकाले हैं कि बताओ कितना निकाले हैं, एक मैक्सिमम निकाले हैं कि नहीं, म्यू 20 म्यू कितना है जल्दी बताओ, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3/40 इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था फोर्स हम टॉप पे लगा रहे थे, चाहे इसलिए हमने ग्रुप बना हुआ था तो दसी लपेट के खींच रहे थे, प्रैक्टिकल तो यही ज्यादा अच्छा होगा कि कोई स्फीयर है थोड़ा सा ग्रुप बना लें उसमें रस्सी लपेट के ऊपर से खींचे ऐसे ऊपर से, तो बात यही हो रही है ना। अच्छा ग्रुप क्यों बनाया मालूम है, ग्रुप बनाया होता कि रस्सी धस के अंदर रहे थोड़ा सा, अरे स्फीयर में अंदर सर, नहीं तो रस्सी ऊपर आएगी तो फ्रिक्शनल फोर्स तो रस्सी और सरफेस के बीच में हो जाएगा। तो कई बार ऐसे लिखा है कि अच्छा ऐसे लिखा है कि स्फीयर है बड़ा सा उसमें ग्रूव बना हुआ है उसमें रस्सी लपेटी हुई है उसको खींचा जा रहा है, कई लोग ऐसे इतने ही पर नहीं करेंगे पता नहीं क्या क्या बना हुआ है उसमें और कहाँ से क्या खींच रहे हैं ये नहीं समझ रहा है, तो जबकि वो क्वेश्चन किए हुए पर ऐसा अरेंजमेंट और ऐसी बातें कर रहा है कि आपको पता नहीं चलता क्या हो रहा है। फिर जैसे एक सॉलिड सिलेंडर है उसमें उसके आधे रेडियस का होल बना हुआ है, उसमें एक डंडा है परेता टाइप का बना हुआ है, तो तुम्हारा एलिमेंट झुका हुआ बता देगा लंबा हो जाएगा आधा पेज का क्वेश्चन लिखोगे आप, क्वेश्चन बहुत हल्का टाइप का है बस वो एलिमेंट बताने में दिक्कत हो गया क्योंकि रोटेशन में बहुत सारे और रोटेशन में लंबा इसलिए होता है क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस का पोजीशन का महत्व होने लगा ना, पीछे तो नहीं था ब्लॉक बनाए फोर्स कहाँ लगा मतलब ही नहीं पॉइंट मास ले लेते, ये सब अंतर होता है। सो वैल्यू टाइम हो गया क्या, कई लोग तो बीच बीच में टाइम देख भी रहे होते, अच्छा जैसे ही बोला टाइम हो गया क्या तो ये सब बोल चुके थे बाद में घड़ी देख रहे थे तो बता दें कि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता,
दे लो अगले। अच्छा जैसे पहले तो म्यू नहीं दिया था, फ्रिक्शनल फोर्स पूछा रहा था, कहता ही नहीं, म्यू दिया ही नहीं है। और कई बार क्या होता है, म्यू दिया रहता है फ्रिक्शनल फोर्स वही निकालते हैं, तो दोनों ही गलत। फ्रिक्शनल फोर्स बताने के लिए म्यू की जरूरत भी नहीं है, यदि म्यू दिया रहे तो भी म्यू रह के फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बताना है, क्योंकि वो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, हो सकता है देखना होता। क्लियर, समझ में? तो बोला सबसे 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग आज का वही लगा कि जब स्मूथ था खींच रहे थे तो कम सह रहा था, जब लोग तो तेजी से भाग के आया। यस सर, ये किसी को बोलोगे तो बड़ी मार मार देते किसी आदमी को, तो बोल रहे सर तो आपको ही मार देंगे सर। अब तुम लोग